जय दोस्तों। तो आज एक मार्केट में न्यूज काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ओके, जो कि न्यूज का कट ये एक पेपर कटिंग है, ठीक है। देख सकते हो, ये आपका कटिंग था पैरामेडिकल में, नामांकन के लिए 10th तक होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये न्यूज 100% सही है, गलत है आप नहीं बोल सकते हो कि 100% होगा ही या नहीं। इसमें लिखा क्या है, 10th तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आप इसमें लोचा क्या है वो समझो, ठीक है। आप देखो, कहीं भी कोई भी न्यूज स्प्रेड हो ना, कहीं भी कुछ हो, तो आपको पता है ना, आपका रिजल्ट कौन देगा? पेपर वाला देगा या फिर आपका वेबसाइट? आप जो चॉइस फिलिंग करोगे, रिजल्ट निकालोगे, कहाँ से चेक करना है आपको? वेबसाइट पे ऑफकोर्स, कहीं नहीं जाना, कुछ कहीं भी कोई न्यूज हो कहीं नहीं फैलना है आपको। इस पे भी अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो ना, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ लेफ्ट में जाओ। यहाँ देख लो, डीसीसी, बीसीसी के नीचे डीसीसी, सिर्फ इस पे क्लिक करना है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो देखो, 5 तारीख कल था, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट ऊपर में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं आया। तो इसमें वो जो दस्तक दे रखा है वो सही है, वो 100% सही है, लेकिन कब तक सही था? कल तक सही था। यहाँ देख सकते हो, ये है ना, 6/1 से 10 तक होना था। देख सकते हो यहाँ, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट है ना, रिजल्ट पब्लिकेशन तथा दिनांक 6 से लेकर 10 तक, तो यही हुआ है। तो उसमें रियल क्या है वो मैं बोल दूं। देखो, कोई भी न्यूज जो पब्लिश करना होता है ना, कोई मतलब पॉलिसी मेकर को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कोई गवर्नमेंट को या फिर कोई डिपार्टमेंट को कोई पेपर रिलीज करना होता है या फिर कोई नोटिफिकेशन, तो वो पेपर वाले से कनेक्ट करता है। ओके, और 1 या 2 दिन पहले उसे बोल दिया जाता है कि इतनी तारीख को मैं रिलीज करूँ, इतनी तारीख को ये चीज होने वाला है, ठीक है। तो वो करता क्या है ना, वो अपने हिसाब से, उसे लगता है कि आज ये चीज रिलीज करूँ या कल, तो उसी हिसाब से हुआ है, वो कल के बदला आज रिलीज कर दिया है, ठीक है। लोटा यही हो गया है। तो इसी में मतलब ऐसा हुआ कि ये जो अपना बीसीसी वाला है, वो उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि वो एक मतलब पोस्टपोन कर चुका है। तो सेम लफड़ा वही है, दस्तक सही है, वो न्यूज कोई गलत नहीं छापा गया, गलत वो न्यूज पक्का सही, 100% सही है। लेकिन ये कि ओल्ड के हिसाब से देख सकते हो, 6 से 10 तक आपको पता होना चाहिए कि 6 से 10 तक आपका फर्स्ट जो राउंड था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वही है, वही सेम टू सेम डाला गया है। न्यूज 100% सही है, लेकिन कब तक सही था? कल तक सही था, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी कोई नया नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है, देख सकते हो ये 5 है ना, इसका जो ही कुछ होगा तो ऊपर आएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग आराम से बैठो, कोई भी कोई न्यूज स्प्रेड हो ना तो हलचल, पैनिक नहीं होना है, सिर्फ वेबसाइट पे क्लियर आ जाओ, यहीं पे डीसीसी क्लिक करके यहाँ पे देखना है। इस पे ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा हो ये पूरे पैनल पे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डीसीसी पे जाओ, यहाँ बचे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, पैनिक नहीं होना है। कोई भी मतलब ऐसा हो आप लोग, आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप लोगों से अभी तक में जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हो, और आपसे एग्जाम नहीं क्रैक हो पा रहा अभी भी पैरामेड का, तो मैं एक 100% अपना पूरा जो बोलते हैं ना, ये सिर्फ वही बता सकता है जो 300 मार्क्स अप्रॉक्स हर साल आ रहा है, ठीक है। तो वो मैं पूरा बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र उस वीडियो में दे रखा हूँ। आप अगर पढ़ते हो, एक्चुअली वीडियो को देखते हो, तो आई एम डैम श्योर कि आप अप्रॉक्स 250 मार्क्स 100% लाओगे।